शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉकडाउन के कठिन परिस्थिति में तिरंगा चौक के वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप अर्जुन ने इन्होंने लोगों की मदद की है। अब तक उन्होंने 5,000 मास्क व 2 से 3,000 सैनिटाइजर की बोतल का वितरण किया, साथ ही 25 एंड्रॉइड मोबाइल का वितरण गरीब छात्रों को वितरित किए हैं। विशेष बात तो यह है कि डॉक्टर अर्जुन ने खुद की लैब चलाकर भी समाज के प्रति अपना दायित्व बखूबी से निभा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते गरीब जरूरतमंदों की समस्या जानकर उन्हें मास्क व सैनिटाइजर का वितरण खुद के खर्चे से किया है। इसमें किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं ली। पैथोलॉजी से मिलने वाले पैसों से डॉक्टर अर्जुन यह सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उनके इस कार्य से वृद्धाश्रम झुग्गियों के परिसर को नागरिकों को मदद हुई है। मैं डॉक्टर दिलीप अर्जुन MBBS MD इन पैथोलॉजी और अभी करीबन 20 साल से तिरंगा चौक सकरधरा पे पैथोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले से मुझे एक ये रहा है समाज सेवा करने का। जब मार्च महीने में जब कोरोना के बारे में सुना तो डॉक्टर होने के नाते मुझे कोरोना के बारे में सब तरफ से जानकारियाँ मिली और एक खतरनाक बीमारी है। आज से चीन से चालू हुई तो कल या एक महीने के बाद पूरे दुनिया में वो फैलेंगी, ये मालूम था। ऐसा सोचते ही मेरे दिमाग में, जहाँ मैं वृद्धाश्रम में बहुत सामाजिक काम करता हूँ, वहाँ की याद आई। वहाँ के बूढ़े लोग जो है वो याद आए और झट बोल के 3 अलग अलग टेलर्स को, क्योंकि उस पीरियड में मेडिकल स्टोर पे सैनिटाइजर और मास्क अवेलेबल नहीं थे तो नहीं के बराबर। तो मैंने 3 अलग अलग टेलर्स को कपड़े के नया कपड़ा लेके 5,000 मास्क बनवाए। वो 2 दिन में जो पहले ज़रूरतमंद है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा के मार्फत उनको पहुंचा दिए। ऐसा मेरा कार्यक्रम हो कोरोना डिक्लेयर होने के बाद 7 दिन कंटिन्यू चला हो, फिर थोड़ा स्पीड कम हो गई और इसके साथ एक सैनिटाइजर करके व्यवस्था रहती। मैंने ऐसा नहीं किया कि कोई वृद्धाश्रम में जाके एक सैनिटाइजर की बोतल रख दो और चलाओ। हर एक जने को एक एक सैनिटाइजर दिया, मतलब मैंने करीबन 2,000-3,000 सैनिटाइजर अभी तक दिए हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास मोबाइल नहीं है, गरीब लोग हैं, एंड्रॉयड खरीदना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे लोगों को मेरा जो मेडिकल कॉलेज का ग्रुप है और मेरे पर्सनल जो दोस्त है, सबको मैंने मैसेज डाल दिया कि जिनके पास अच्छे स्थिति में एंड्रॉयड फ़ोन है वो लेबॉरेटरी में ला के छोड़ दे। कुछ 2 नए मोबाइल पीसेस मेरे पास थे। पेपर में पढ़ा लोकशाही वार्ता में, एक पायल तागड़े नाम की बच्ची थी, उसने 90% लिया था और उसका घर का फोटो था, तो एक झोपड़ी में वो झोपड़ी का फोटो था, तो उसके टीचर का पता ढूंढ के, उसके पेरेंट्स का पता ढूंढ के उनको लैब में बुलाए और वो बच्ची को मैंने सैमसंग का नया हैंडसेट दिया। और बाद में ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि आदर्श संस्कार ऐसे 3-4 जो छोटे छोटे, इवन सुराबर्डी में एक स्टेट बोर्ड का स्कूल है, वहाँ तक अपन ने कुल मिला के 25 एंड्रॉयड सबको दिए हैं। उसके फोटोज़ मीडिया ने बहुत अच्छे तरह से कवर किया, प्रिंट मीडिया ने। और इसका सब होने के बाद पूरे देश में से, पूरे स्टेट इंस्टीट्यूट सिटीज से कम 110 प्रशस्ति पत्र मिले। लेकिन ये प्रशस्ति पत्र लेने वाले मेरे जैसे बहुत है, लेकिन आज जो मुझे प्रशस्ति पत्र मिला है, जैसा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड रहता है, जैसा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड रहता है, वैसे ही आज डायमंड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम इंक्लूड कर दिया। तो ये सब अपने बंधुओं की सेवा करने में मुझे एक समाधान मिलता है और इसके लिए मैं अभी भी मेरा काम जारी है। ना कोई संस्था, संगठन या सरकारी मदद के बिना अपने स्व खर्चे से डॉक्टर अर्जुन अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।